अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज कमर उस्मान फ्रॉम फैक्चुअल पर्सपेक्टिव। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुर्की और ग्रीस के दरमियान जो अभी एक डिस्प्यूट चल रहा है, करंटली एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हम इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री देखेंगे और इसकी मुकम्मल डिटेल देखेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं उनका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास आते हैं आपके इंटरनल वाटर्स। इंटरनल वाटर्स वो तमाम वाटरी एरिया है, वो तमाम पानी का इलाका है जो किसी भी मुल्क के जो लैंडस्केप है, जो उसके इंटरनल बाउंड्री है, उसके दरमियान जितना भी पानी है उसे हम इंटरनल वाटर्स कहते हैं। इसमें किसी भी मुल्क के नदी, नाले, दरिया वगैरह जो उसके मुल्क के अंदर हैं उनको हम इंटरनल वाटर्स कहते हैं। इस पर एक मुल्क की मुकम्मल सॉवरेनिटी होती है और मुकम्मल ज्यूरिसडिक्शन होती है। इसके बाद हम आएंगे टेरिटोरियल वाटर्स पे। टेरिटोरियल वाटर्स वो एरिया है जो कि किसी भी मुल्क की कोस्ट से ले के 12 मील तक का एरिया जो है वो आपके पास टेरिटोरियल वाटर्स आता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, या जिसे हम आगे अनक्लॉस के नाम से आगे मजीद इसे देखेंगे, उसके मुताबिक कोई भी मुल्क अपने टेरिटोरियल वाटर्स के लिमिट मैक्सिमम 12 मील तक ले जा सकता है, 12 नॉटिकल माइल्स तक। 12 नॉटिकल माइल से ज़्यादा ये लिमिट नहीं हो सकती है। आप 12 नॉटिकल माइल से कम तो रख सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी भी मुल्क की जो कोस्ट है, उसके कोस्ट की जो बेस लाइन है, वहाँ से ले के टोटल 200 मील तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के तहत। और ये जो भी कोस्टल स्टेट है उसके एरिया जो है, मतलब आपकी कोस्ट लाइन से ले के 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद आपके पास आते हैं हाई सीज या इंटरनेशनल वाटर्स। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आगे का एरिया या ओपन इंटरनेशनल वाटर्स, ये वो एरियाज होते हैं जिनके ऊपर किसी भी मुल्क की कोई सॉवरेनिटी नहीं है। ये खुले पानी आप इसे कह सकते हैं, बैन अलाकवामी पानी भी निकाह जाता है। इस पर किसी भी मुल्क की कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं होती, सॉवरेनिटी नहीं होती। इंटरनेशनल वाटर्स पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की ज्यूरिस्डिक्शन, और जिसको भी वहाँ से इंटरनेशनल वाटर्स में जो करना हो वो वहाँ पे, मतलब जो लीगल एक्टिविटीज़ कैरी आउट करनी हो वो कर सकते हैं। हाई सीज के बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास वो है इनोसेंट पैसेज, राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। अब इनोसेंट पैसेज बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है, इंटरनेशनल लॉ, जिसके तहत किसी भी मुल्क का जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, मतलब जिनकी लिमिट 12 नॉटिकल माइल्स तक है और उस पर एक स्टेट की कंप्लीट ज्यूरिसडिक्शन, इस पर किसी दूसरे फॉरेन कंट्री के शिप्स जो हैं वो भी इनमें आ सकते हैं। लेकिन इस इनोसेंट पैसेज के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, काफ़ी सारे जहाज आ सकते हैं। जो रिस्ट्रिक्शंस इनमें लगती हैं कि कोई भी फॉरेन जहाज जो है वो किसी किस्म की मिलिट्री एक्टिविटीज़ वहाँ पे कैरी आउट नहीं करेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उस मुल्क की कोस्टल स्टेट की जो डिफेंस या सिक्योरिटी इंटेग्रिटी है उसको नुकसान पहुँचे। यानी रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप किसी भी मुल्क की जो है टेरिटरी, उसके टेरिटोरियल वाटर्स में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा आप कोई काम वहाँ नहीं कर सकते जिसकी बुनियाद पर उस मुल्क के डिफेंस को या सिक्योरिटी को कोई खदशा हो। ये दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि आपकी मूवमेंट जो है वो लिमिटेड हो जाती है टेरिटोरियल वाटर्स में इनोसेंट पैसेज के तहत। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक जो कोस्टल स्टेट है उसके जो रिस्ट्रिक्शन होती है, यानी कि वो उसमें मुख्तलिफ काम कर, जैसे फिशिंग वगैरह या ड्रिलिंग वगैरह, गैस रिजर्व्स वगैरह, या कोई भी चीज़ जो 200 नॉटिकल माइल तक के एरिया में आती है उसको वो, उस पर उसकी जो रिस्ट्रिक्शन होती है, और वो वहाँ पे अपना उन 200 नॉटिकल माइल्स में अपना ये तमाम सरगर्मियाँ जो है वो कैरी आउट कर सकती है, कंडक्ट कर सकती है। अब हम आएंगे तुर्की और ग्रीस के दरमियान डिस्प्यूट के एक अहम हिस्से पे, जिसे हम एजियन सी डिस्प्यूट का नाम भी देते हैं। इस डिस्प्यूट की, इस झगड़े की हिस्ट्री जानने से पहले यहाँ पे एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नक्शे पे देखें तो एजियन सी के एक तरफ आपको तुर्की मिलेगा, एक तरफ आपको ग्रीस मिलेगा, और जो बीच का एरिया है उसमें कई ऐसे आइलैंड्स हैं जो ग्रीक आइलैंड्स हैं, लेकिन उनका डिस्टेंस ग्रीस से ज़्यादा, ग्रीक से वो ज़्यादा फासले पर और तुर्की से ज़्यादा करीब हैं। जिसमें एक एग्जांपल आपके पास कास्तलरिजो जैसे आइलैंड्स हैं जो कि टर्किश कोस्ट से सिर्फ 1300 मीटर के फासले पर जो हैं वाकई, यानी कि टर्किश साहिलों के वो ज़्यादा करीब और ग्रीक से वो बहुत ज़्यादा दूर हैं। इस पॉइंट के बाद हम झांकते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री में। नवंबर 1973 में टर्किश गवर्नमेंट ने अपनी एक टर्किश कंपनी थी, टर्किश स्टेट कंपनी, उसे कुछ जोन अलॉट किए जहाँ पर वो गैस को एक्सप्लोर कर सके, गैस के हवाले से रिसर्च कर सके। लेकिन मसला ये था कि जो एरिया उसे अलॉट किया गया था वो ग्रीक आइलैंड से आपके लेस्बोस, स्कीरोस, लिम्नोस और सैमोथ्रेस, उस ये जो ग्रीक आइलैंड्स हैं इनके करीब ही वो एरिया पड़ता था जहाँ पे टर्की ने अपना जो लाइसेंस जारी किए थे गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से, और जो मज़ीद उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करनी थी।
1973 के बाद 1974 में यही जो है नए मजीद नए परमिट्स जारी कर देती है टर्किश गवर्नमेंट, और एरिया जो है इस बार वो मजीद वेस्ट में बढ़ा के इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि इस बार वो ग्रीक आइलैंड्स आपके डोडाकनीस और साइक्लिडीस नाम के जो ग्रीक आइलैंड्स थे वहाँ तक ये एरिया फैल गया। तो इस तमाम एरिया में उन्होंने मतलब परमिट्स जारी करना शुरू कर दिए। इस सिचुएशन को लेके ग्रीस ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, बहुत ज़्यादा एहतजाज किया तुर्की की गवर्नमेंट से, लेकिन टर्किश गवर्नमेंट ने उस एहतजाज को खातिर खा नहीं समझा और 1974 में उन्होंने कंदारली नाम का जहाज़ भेजा ड्रिलिंग के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए भेज दिया। और फिर 1976 में उन्होंने अपना एक दूसरा जहाज़ जिसका नाम था सिस्मिक वन उसको भेज दिया कि वो वहाँ जा कर ड्रिलिंग शुरू करे या एक्सप्लोरेशन जो है वो वहाँ पे शुरू करे। इस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ, इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए कि दोनों ममालिक जो हैं उनके दरमियान जंग किसी सिचुएशन पैदा होगी, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के नज़दीक पहुँच गए। इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए ग्रीक ने यूनान ने अपना मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया, लेकिन तुर्की ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन को मानने से इनकार कर दिया और ये मसला जूं का तूं रहा। और तब से ले कर अब तक एजियन सी का ये डिस्प्यूट जो है इन वन वे और अनदर ये उसी तरह ही चल रहा है। यहाँ पे आपके पास इशू आता है टेरिटोरियल वाटर की लिमिट सेट करने का। अभी यूनान ने अपने टेरिटोरियल वाटर्स की लिमिट 6 नॉटिकल माइल्स रखी हुई है, जिसकी वजह से एजियन सी का 43.5% हिस्सा यूनान के पास है और 7.5% हिस्सा तुर्की के पास है। अगर इसी और आपका जो हाई सीज है इस 6 नॉटिकल माइल्स के साथ वो एरिया आपका 49% है, लेकिन लेट से अगर यूनान 6 से 12 नॉटिकल माइल तक का डिसीजन लेता है कि वो अपने टेरिटोरियल वाटर्स को 12 नॉटिकल माइल्स तक ले जा सकता है, जो कि जिसकी इजाज़त उन्हें अनक्लॉस भी देता है, तो इससे होगा ये कि एजियन सी का तकरीबन 71% एरिया जो है वो ग्रीस के पास चला जाएगा, 8.7% एरिया तुर्कों के पास रह जाएगा और हाई सीज का एरिया सिर्फ 19% रह जाएगा। और इस पर अगर ये दोनों ममालिक अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स खोलने की या उनको क्लेम करने की कोशिश करते हैं और अपना इस्टेब्लिश करते हैं, तो पूरे का पूरा जो एजियन सी है इस एरिया में उस पर ग्रीक ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो लग जाएगी, वो ग्रीक ज्यूरिस्डिक्शन में चला जाएगा। और सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकती, अगर ये 12 नॉटिकल माइल का फैसला वो ले लेते हैं यूनान वाले या वो अप्लाई कर देते हैं, तो बॉस्फोरस या इजमीर से आने वाले जो टर्किश वॉरशिप्स हैं उनका दाखिला बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो टर्किश पोर्ट्स को जो है वो उनका एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर उन्हें ग्रीक वाटर्स के दरमियान से आना पड़ेगा। मतलब ये जो सारी अरेंजमेंट है उसके बाद उन्हें ग्रीक वाटर्स के पास से आना पड़ेगा और उस पर लगेगा उन पर राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, जो कि मैं आपको डेफिनेशन वाले सेक्शन में पहले बता चुका हूँ। तो अब ये समझ लें कि उनका जो उनके वॉरशिप्स हैं उनका आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर जब आप इस लिमिट को 12 नॉटिकल माइल यूनान सेट करेगा, तो उसमें एक और मसला ये है कि इस सेट करने के बाद जो उनके आइलैंड्स हैं जो मैंने पहले तज़किरा किया डोडाकनीस और साइक्लिडीस वो कनेक्ट हो जाएंगे, इसकी ज्यूरिसडिक्शन जो ग्रीक्स की है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुर्की जो है उसके लिए इस्तंबुल तक आने के लिए जो इस्तंबुल की पोर्ट है उसको एक्सेस करने के लिए भी ग्रीक वाटर्स का सहारा लेना पड़ेगा। और जितनी इन दोनों के दरमियान राइवलरी है आप इजीली ये अज्यूम कर सकते हैं कि तुर्की के लिए इस्तंबुल तक को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के इस मसले को तुर्की बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव अंदाज में देखता है, बहुत ज़्यादा संजीदा अंदाज में देखता है, इसी वजह से वो यूनान पर हमेशा अपना प्रेशर भी बनाए रखता है। और उनका ये कहना है कि जिस दिन यूनान ने, बल्कि कहना क्या है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन 1995 में पास की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था, उन्होंने बाकायदा वार्न किया था यूनान को कि जिस दिन आप अपनी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन 6 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल्स करेंगे वो उस अमल को हम एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेंगे। और दूसरे लफ्जों में ये समझ रहे कि जिस दिन 12 नॉटिकल माइल हुई तो इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कान हैं कि तुर्की और यूनान के दरमियान एक जंग छिड़ जाए। तुर्की और यूनान के दरमियान जो अगला मरहला है डिस्प्यूट का, मेडिट्रेनियन डिस्प्यूट का, उसको समझने से पहले हमारा साइप्रस डिस्प्यूट यानी जो कब्रस पे तनाज़ा चल रहा है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम तारीख़ में देखें तो कब्रस पे 1570 में उस्मानी तुर्कों ने आके कब्ज़ा कर लिया, इसको अपने ज़ेरे तसल्लुत कर लिया और उसके बाद से उन्होंने वहाँ पर मुसलमानों को आबाद करना शुरू कर दिया। 15वीं सदी की उन्हीं का इक्तदार चलता रहा। फिर 1878 में साइप्रस कन्वेंशन के तहत बरतानिया और तुर्की में एक मुआहदा सा हुआ जिसमें यह था कि ये कब्रस नामी इलाका जो है ये मुल्क ये
रहेगा। तुर्की सॉवरेनिटी उन्हीं की खुद मुख्तारी में, लेकिन इसका इंतज़ाम जो है वो बरतानिया चलाएगा। फिर 1914 में जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई, तुर्की और बरतानिया एक दूसरे के मुखालिफ आ गए, तो इस पर बाकायदा कब्ज़ा कर लिया, इसको बाकायदा अपने साथ में ला लिया बरतानिया ने। और इसके इस चीज़ को जो है लुजान मुआहदे में तुर्की ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। फिर 1925 में इस कब्रस को जो है बाकायदा एक कॉलोनी, क्राउन की एक कॉलोनी जो है वो बना दिया गया। अब हुआ यहाँ पे ये कि यहाँ पे बेसिकली दो तरह की पॉपुलेशंस थी आपके पास। एक थी ग्रीक सिप्रियोट्स, सिप्रियोट यानी जो साइप्रस का रहने वाला हो, ग्रीक सिप्रियोट्स यानी ये वो लोग थे जो चाहते थे कि कब्रस को यूनान के साथ मिलाया जाए। और दूसरे थे टर्की सिप्रियोट्स, जिनकी ये कोशिश थी कि कब्रस को तुर्की के साथ मिलाया जाए। इनके दरमियान काफ़ी अरसा जो है वो तनाज़ा चलता रहा। ग्रीक सिप्रियोट्स ने अपनी एक मूवमेंट चलाई, जिसमें मतलब उन्होंने एक आर्म्ड रेजिस्टेंस चलाया कि इसको हमने यूनान के साथ मिलाना है। उनके अपने लीडर्स से, इधर से तुर्की सिप्रियोट्स ने अपनी मूवमेंट चलाते रहे। खैर ये मसला आगे काफ़ी कई सालों तक जो है वो चलता रहा। फिर 1959 में एक मुआहदा हुआ तुर्की और यूनान के दरमियान, जिसके तहत 1960 में फिर साइप्रस को एक रिपब्लिक बना दिया गया, एक अलग मुल्क बना दिया गया। मामला ठीक ठाक चलते रहे, लेकिन 1974 जुलाई 1974 में एक वहाँ पे फौजी बगावत हुई, गवर्नमेंट का तख्ता उल्टने की कोशिश की गई, और उसका मकसद ये था कि साइप्रस को यूनान के साथ मिला दिया जाए। जो ये आपका कूप था ये तो नाकाम हो गया, लेकिन जैसे ये कोशिश हुई तो उसके फौरन बाद तुर्की ने कब्रस पे हमला कर दिया, और नदरन साइप्रस के जो एक बहुत बड़े एरिया पे उन्होंने अपनी जो है वो उस पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी जुरिस्डिक्शन में ले लिया। और कुछ अरसे बाद ही उन्होंने उसे टर्किश फेडरेटेड स्टेट ऑफ साइप्रस का नाम दे दिया, और उसका सरबराह मुकर्रर किया गया रऊफ देंगताश को। रऊफ देंगताश नाम के एक फ़र्द थे जिन्हें उनका प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया 1974। इनके इसके बाद फिर ग्रीक सिप्रियोट्स और टर्की सिप्रियोट्स के दरमियान जो है मुजाकरात वगैरह चलते रहे, लेकिन उनका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। और फिर 1983 में रऊफ देंगताश ने इसी एरिए का नाम चेंज करके, या इसी को एक नया मुल्क जो है नदरन साइप्रस को एक नया नाम दिया, जो कि था टर्किश रिपब्लिक ऑफ नदरन साइप्रस। और 1983 से ले के अब तक ये सल्तनत जो है ये मुल्क इसी तरीके से चल रहा है। लेकिन मसला ये है कि इस मुल्क को सिर्फ तुर्की रिकग्नाइज करता है, इसके अलावा पूरी दुनिया में जो नदरन साइप्रस है इसकी जो गवर्नमेंट है इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और यही कहा जाता है कि टर्की ने इस पर अपना कब्ज़ा जमा रखा है। सो 1974 कर लें या 1983 से ले के अब तक साइप्रस का तनाज़ा जो है वो चल रहा है, और साइप्रस बुनियादी तौर पे दो हिस्सों में तकसीम है। अब हम आएंगे मेडिटेरेनियन डिस्प्यूट की तरफ। हुआ कुछ ये कि मेडिटेरेनियन सी में, और जो साइप्रस नामी कंट्री है, इसके वाटर्स में गैस रिजर्व्स जो हैं वो बहुत बड़े, मतलब ह्यूज गैस रिजर्व्स जो हैं वो आपके पास डिस्कवर हो गए। और उसके बाद इस एरिए में एक एनर्जी रेस जो है वो शुरू हो गई है, जिसमें काफ़ी ममालिक शामिल हो गए हैं। अगर आप इसकी थोड़ा सा कर लें, हिस्ट्री देख लें, या कुछ साल पीछे चले जाएं, तो हम आते हैं 2011 में, जब पहली बार साइप्रस गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि वो गैस ड्रिलिंग जो है वो शुरू करने जा रही है। साइप्रस गवर्नमेंट के इस ऐलान की देर थी कि 2012 में तुर्की ने भी ऐलान किया कि वो नदरन साइप्रस, जिसको तुर्की ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो वहाँ पर अपनी ड्रिलिंग शुरू कर देगा। फिर 2017 में जो साइप्रस गवर्नमेंट थी उसने मजीद जो ठेके हैं, मजीद एरियाज और जो ब्लॉक्स हैं गैस ड्रिलिंग के, वो मुख्तलिफ कंपनियों को, जिसमें आपके पास ENI थी, एग्जॉन थी और फ्रांस की टोटल कंपनी थी, उन मतलब इन कंपनियों को जो है उन्होंने मजीद लाइसेंसेस वगैरह दे दिए कि अब वो उसे एक्सप्लोर करना शुरू कर दें। 2017 के बाद फिर 2019 में तुर्की ने भी एक स्टेप आगे लिया, और तुर्की ने यह किया कि मई 2019 में फातह नामी एक जहाज़ को साइप्रस के एक एरिया, साइप्रस के वेस्टर्न एरिया में भेज दिया ड्रिलिंग के लिए। फिर जून 2019 में एक दूसरा जहाज़ जिसका नाम यावूज था, उसे भी, ये ड्रिलिंग शिप था, इसे भी इन्होंने इस बार भेज दिया साइप्रस के नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे आपका कारपास पेनिनसुला है, वहाँ पे इन्होंने भेज दिया। अब जब यावूज का काम यहाँ ख़त्म हुआ, तो फिर इन्होंने यावूज को सदरन साइप्रस भेज दिया। लेकिन इस बार तुर्की ने जिन एरियाज में यावूज नामी ये जहाज़ भेजा था, वो इलाका ऑलरेडी रिपब्लिक ऑफ साइप्रस जो है वो इटालियन और फ्रेंच कंपनीज को दे चुकी थी। जो ही इस चीज़ का ऐलान हुआ और इन्होंने भेजने का आगे ऐलान किया, तो उसके बाद जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस और तुर्की के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मजीद स्ट्रेन का शिकार हो गए। फिर
यहाँ पे हमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुर्की का ये कहना है कि साइप्रस आइलैंड का कोई भी जो रिजर्व्स हैं, कोई भी रिसोर्सेज जो हैं, वो इक्वली शेयर किए जाएंगे। और इनका ये मानना इस वजह से है क्योंकि इन्होंने नॉर्दर्न साइप्रस पर कब्जा कर रखा है, या इनके जो रिस्ट्रिक्शन में आता है इन्हीं के ज़ेरे तसल्लुत है। तो ये कहते हैं कि नॉर्दर्न साइप्रस के और जो मेन रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, इनको अलग अलग एंटिटीज़ कंसिडर किया जाए और इसी हवाले से रिसोर्सेज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँ। लेकिन मसला ये है कि जो नदरन साइप्रस है, जो दूसरा एरिया जो तुर्की के अंडर है, उसको सवाए तुर्की के दुनिया में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। हालात में थोड़ा सा ट्विस्ट उस वक्त आया जब नवंबर 2019 में तुर्की ने लीबिया के साथ एक मैरिटाइम डील साइन कर ली। और इस डील के बारे में तुर्की का ये कहना था कि इस डील के बाद तुर्की और लीबिया ने अपना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्रिएट कर लिया जिस पर किसी दूसरे मुल्क का इख्तियार नहीं होगा। उसके बाद 2020 में और आने वाले महीनों में तुर्की ने कई बार इस अजम का अदा किया कि वो इन एरियाज़ में मज़ीद ड्रिलिंग को परसू करेगा और इसको ज़्यादा आगे लेके जाएगा। फिर जुलाई 2020 में तुर्की ने एक नेवल अलर्ट जारी किया जिसमें इन्होंने ये कहा कि वो अपना एक और एक रीस नामी एक ड्रिलिंग जहाज़ जो है वो भेजेंगे, और जिस एरिया में उन्होंने भेजना था वो जो यूनानी आइलैंड कास्टल रिजो है उसके करीब एक एरिया, वहाँ पे इन्होंने अपनी ड्रिलिंग शुरू करनी है। जैसे इन्होंने ये ऐलान किया तो इनके ताल्लुकात, तुर्की और ग्रीस के ताल्लुकात मज़ीद स्ट्रेसफुल हो गए और उनमें मज़ीद स्ट्रेन आ गया। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि जर्मनी को बीच में इंटरवीन करना पड़ा, और जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा हाइको मास ने दोनों ममालिक के दरमियान डिप्लोमेसी का शटल डिप्लोमेसी का आगाज़ शुरू कर दिया और हालात को ठंडा करने की, काम डाउन करने की कोशिश की। हालात काफ़ी हद तक ठीक हो भी गए थे, लेकिन फिर अर्ली अगस्त में ग्रीस और इजिप्ट, यूनान और मिस्र ने एक अपनी ही अलग मैरिटाइम डील उसको साइन कर दिया, उस पर साइन कर दिए। और इस डील के बारे में यूनान का ये कहना था कि इस डील के तहत यूनान और ग्रीस के दरमियान एक यूनान और सॉरी मिस्र के दरमियान एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्रिएट हो गया, और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तुर्की और लीबिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को कैंसल आउट कर देता है। अब मसला ये है कि मेडिट्रेनियन सी के इस एरिया में जहाँ पे ये गैस रिजर्व्स हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा क्लेम्स इकट्ठे हो गए, इतने ममालिक का क्लेम इकट्ठा हो गया कि ये डिसाइड करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि किसका क्लेम ठीक है और किसका क्लेम गलत है, या किसके क्लेम की लिमिट कहाँ तक है और दूसरे के क्लेम की लिमिट कहाँ तक है। अभी अगर आप स्क्रीन पर एक आपको मैप शो हो रहा होगा जिसमें आपको ईजिली नज़र आ जाएगा कि मुख्तलिफ ममालिक के क्लेम्स क्या हैं, तुर्की क्या क्लेम कर रहा है, साइप्रस क्या क्लेम कर रहा है, इजिप्ट क्या क्लेम कर रहा है, लीबिया क्या क्लेम कर रहा है, ये तमाम क्लेम्स इस मैप में आपको नज़र आ रहे होंगे। और यही वो तमाम एरिया है, और ये देखेंगे तो ये सारे क्लेम्स जो हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। अगर यहाँ बात की जाए अलायंसेस की या पब्लिक ओपिनियन की, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन की, तो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन ग्रीस के हक में ज़्यादा और तुर्की के हक में कम है। यूरोपीय यूनियन ने भी ग्रीस को सपोर्ट करने का ऐलान किया। इसके अलावा फ्रांस ने ना सिर्फ इसे यूनान को सपोर्ट करने का ऐलान किया बल्कि अपने राफेल तैयारे जो है वो भी यूनान की सपोर्ट के लिए वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए गए हैं यूनान में। इसके अलावा यूएई ने अपने कुछ फाइटर तैयारे जो हैं तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वो भी यूनान भेज दिए गए हैं। और यूरोपीय यूनियन और पूरा यूरोपीय यूनियन जिसमें तकरीबन 28 ममालिक हैं, वो तो वैसे ही तुर्की के अगेंस्ट हैं इस मामले में। और इस जो इनके खिलाफ है उसकी एक रीज़न वो ये भी है कि तुर्की ने जो नदरन साइप्रस पर अपना जो इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है उसकी वजह से भी तुर्की पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और जो ये तमाम कंट्रीज़ हैं ये तुर्की के अगेंस्ट हैं। वेल गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। नाउ इट्स योर टर्न कि आप इस डिस्प्यूट में किस मुल्क को सपोर्ट करते हैं और क्यों सपोर्ट करते हैं। अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।